गया जिला प्रशासन द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सीताकुंड से भुसुंडा मोड़, मुफसिल मोड़, मेहता पेट्रोल पंप होते हुए रसलपुर ग्राम तक वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जल पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गया को जल संकट से उबारने एवं जल जीवन हरियाली अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जल पुरुष प्रोफेसर राजेंद्र सिंह से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, और इसलिए उन्होंने गया जिला प्रशासन और बिहार सरकार की ओर से ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। गया से कैमरामैन राजू रंजन के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट। बिहार सरकार द्वारा अभियान लॉन्च किया गया है, वह अभियान जनता का अभियान है, और जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, जन भागीदारी नहीं होगी, हमें का मानना है कि वह अभियान पूर्ण नहीं होगा। और इसी सिलसिले में आज और कल जल पुरुष प्रोफेसर राजेंद्र जी का हम लोग को सहयोग मिला है और मार्गदर्शन मिला है, और उनके अनुभव का लाभ हम लोग उठाना चाह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने राजस्थान में, महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर जल संचयन का कार्य किया है और लोगों को मार्गदर्शन प्रोवाइड किया है, हम लोगों का प्रयास था कि वही उनका अनुभव लोगों तक, गांव-गांव तक, पंचायत तक, लोगों तक, किसानों तक लेके जा सके, जिससे कि प्रत्येक वर्ष गया में जो पेयजल का संकट होता है, फसल हमारे फसल की क्षति होती है, सुखाड़ पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो हमारा फसल चक्र है उसको भी समझने की आवश्यकता है। और उन सब के लिए आज और कल यह मुहिम रखी गई है। आज जल पद यात्रा है, शाम को संध्या चौपाल है, जल चौपाल, पानी चौपाल हमने नाम रखा है, कल पानी पंचायत इसलिए रखा है, और उनके द्वारा संवाद किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इसमें पूरे गया जिले के सभी लोग जुड़ेंगे, और जो प्रत्येक वर्ष हमारी एक समस्या रहती है उसे कई हद तक हम लोग उसको उससे निजात पा पाएंगे। साथ ही मैं लोगों को आह्वान भी करना चाहूँगा कि अपने आसपास जो भी आपके जल के स्रोत हैं उसको समझें, उसका संचयन का प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को। पदयात्रा तो एक सांकेतिक होता है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने जगह जगह पर हम लोगों का स्वागत किया, और लोगों ने जिस तरह से हम लोगों के साथ जुड़े, और जिस तरह से सुबह 7:30 बजे से 7 बजे से सीताकुंड में लोगों का जमावड़ा था हर एज ग्रुप का, यह बहुत ही पॉजिटिव।